अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एंडोथर्म, एक्टोथर्म एंड हेटरोथर्म। सबसे पहले हम एंडोथर्म ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना हीट प्रोड्यूस करते हैं मेटाबोलिज्म से। दे प्रोड्यूस heat from metabolism. For example, ये organisms में होता है some fish, mammals, or insects. अब हम डिस्कस करते हैं एक्टोथर्म ऑर्गेनिजम्स। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस हीट, विच प्रोड्यूस लो मेटाबॉलिक हीट, सो दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। दे प्रोड्यूस लो अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक हीट, hence absorb heat from surrounding। ये अपने मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस नहीं करते, सो ये हीट सराउंडिंग के टेम्परेचर से गेन करते हैं। ये आमतौर पर उन ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और इनवर्टिब्रेट्स। अब हम हेटरोथर्म ऑर्गेनिज्म्स डिस्कस करते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस हीट। They can only produce varying degree of heat. Generally, they do not regulate temperature, their body temperature. So heterotherm are the organisms that they can produce varying degree of heat. Generally, they do not regulate temperature. For example, bats, hummingbirds. Heterotherm वो organisms होते हैं जो कि अपना body temperature regulate नहीं करते और इसकी वजह से ये varying degree of heat produce करते हैं। जैसे कि bats. Bats जब उड़ते हैं और अपनी गुफा में वापस आते हैं तो वो बहुत गर्म होते हैं due to muscle activity. तो इसकी वजह से बैट्स अपना यूरिन और सलाइवा अपने ऊपर फेंकता है और इसकी वजह से एवपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट करता है और हासिल करता है, जिसकी वजह से बैट्स ठंडे हो जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट उन पर आता है।